नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आजकल कोई फोकस में हो ना हो स्टॉक मार्केट में, रेगुलेटर फुल फोकस में रहता है भाई साहब। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है इन्होंने, और इस बार तो तहस नहस कर दिया। इतना बड़ा एक्शन है दोस्तों, ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन कुछ चुनिंदा ब्रोकर्स को झटका है, और जो लोग इन ब्रोकर्स के माध्यम से ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन क्योंकि सेबी इन्वेस्टर्स के लिए ही काम करता है, देन डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी, लेकिन इन ब्रोकर्स के लिए बड़ी परेशानी है। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि भैया एक अच्छे नामी बड़े ब्रोकर के साथ ही ट्रेड करो। कुछ लोग कुछ चिंद मतलब दो चार पैसों के लिए ना अपना खराब ब्रोकर चुन लेते हैं, और कुछ हमारे जैसे भी हैं जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे काम करते हैं, खराब प्लेटफॉर्म को आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। मैं सिंपल बोल रहा हूं भाई साहब, अपस्टॉक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपस्टॉक के साथ ओपन करना। मैंने खुद मेरा खुद का अकाउंट है, आप मेरे ब्लॉग में देखते भी होंगे, जो खुद पर्सनली यूज करता हूं वही शेयर करता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। ग्लिचेस के मामले भी अपस्टॉक में मेरे को बहुत कम दिखते हैं, अदरवाइज देख रहे हो ना आप टाइम टू टाइम ग्लिच वगैरह आते रहते हैं। वन मोर थिंग, रतन टाटा जी का भी नाम जुड़ा हुआ है, तो कैपिटल की सुरक्षा सेफ्टी भी पूरी हो जाती है। तो अगर आप अपस्टॉक के साथ जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आगे बढ़ते हैं, कहीं से कहीं भटक गया मैं अचानक से। दोस्तों सेबी ने इस बार जो फैसला लिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि सेबी ने 68 मार्केट के जुड़े हुए लोगों को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। क्यों कराए? क्योंकि भैया ये रूल्स रेगुलेशंस नियम कायदे कानून मैच नहीं कर रहे थे, तो सेबी ने कहा अच्छा बेटा ये लो फिर। अब कौन कौन से, चलिए नाम सुन लीजिए, अगर आपका भी डीमेट अकाउंट इनमें से किसी के साथ जुड़ा हुआ है प्लीज आप अपने कैपिटल को फ्री कर सकते। मतलब ये मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल होगा, आपके शेयर्स होंगे आप बेचने चले जाओ, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार अपने ब्रोकर से बात जरूर कीजिएगा कि भैया आपके खिलाफ एक्शन आया है, हमें क्या करना है। जो गाइड वो करेगा उसको ज्यादा ट्रस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं इस मामले में कुछ बोलना मेरे लिए गलत होगा। ठीक है, तो मैं गलत बोलने से अच्छा है कि अपने आप को ही बता दूं कि भैया ये करना चाहिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैं बोल दूं कि शेयर बेच दो, क्या करोगे यार, फिर कल खरीदोगे किसी और जगह, और ट्रेडिंग लगेगी, इसी तरह पता कर लो पहले। तब कौन कौन से, चलिए समझते हैं। पहले हेडलाइन सुन लीजिए, सेबी कैंसल्स 68 मार्केट इंटरमीडियरीज रजिस्ट्रेशंस ड्यू टू नॉन कंप्लायंस। अब दोस्तों इसमें सुनाई ऐसा आ रहा है भैया 39 तो स्टॉक ब्रोकर हैं, यानी 39 स्टॉक ब्रोकर हैं, इनमें से शायद आपका डीमेट अकाउंट भी किसी के पास हो सकता है। 7 कमोडिटी ब्रोकर हैं, हालांकि कमोडिटी में तो मेरा कुछ लेना देना नहीं है, बट मैं नाम जरूर बताऊंगा। एंड 22 डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। द डिसीजन अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे comes after these entities failed to meet the necessary registration requirements according to SEBI's order। भैया फ्राइडे को ये सेबी के जो ऑर्डर हैं वो सारी की सारी रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सेबी ने एक्शन लिया है। अब कौन कौन से हैं चलिए समझते हैं, एक बार और थोड़ा डिटेल लिखा है। रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन क्या है? सेबी नोटेड दैट द 39 स्टॉक ब्रोकर एंड 7 कमोडिटी ब्रोकर had originally been granted registrations on the condition that they remain member of recognized stock exchange. However, since these entities have been expelled as member by stock exchanges and are no longer fulfilling the condition under the broker regulations 1992, their registration have been cancelled. जी हाँ, ये जो regulations है ना stock broker के, उनको fulfill नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये हुआ है। अब पढ़ते हैं जरा दोस्तों कौन कौन से हैं जरा, बाकी बहुत कुछ लिखा हुआ है, पूरी डिटेल में देखेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो सकती है। लिस्ट ऑफ ब्रोकर सुन लीजिए आप, मैं इसका लिंक ही पूरा आपके साथ YouTube के डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लिंक पे क्लिक करो और ये पूरा आर्टिकल पढ़ पाओ, और उसमें अपने 39 ब्रोकर्स के भी पढ़ सकते हो। मैं आपको बताता हूं, पहला है बेजेल स्टॉक ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है रिफ्लेक्शन इन्वेस्टमेंट, तीसरा एक्शन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मैंने तो नाम भी नहीं सुने एक्चुअली मैं इनके, चौथा है संपूर्णा पोर्टफोलियो लिमिटेड, विनीत सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, क्वांटम का नाम सुना है लेकिन म्यूचुअल फंड में है ना, वेल इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड, वी राइज सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, क्रेडेंशियल स्टॉक ब्रोकर लिमिटेड, आन्या कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, अंबर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड,
आर्काडिया शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड, CM गोइंका स्टॉक ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड, डेस्टिनी सिक्योरिटीज लिमिटेड, भावेश धीरज लाल स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी लिमिटेड, इनरिच फिन एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, फर्स्ट फ्यूचर्स एंड स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड, गंगा यमुना फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, जेम्स इक्विटीज एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, इंडोविजन सिक्योरिटीज लिमिटेड, ओलंपिया सिक्योरिटी लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन्वेस्ट नेट सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, सेंचुरी कंसल्टेंट्स लिमिटेड, मैरफिन इंडिया लिमिटेड, माइक्रो फॉरेक्स इक्विटी एंड डेरिवेटिव प्राइवेट लिमिटेड, मनी फ्लो सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मौसुमी देव रॉय, बस इतना ही है, ओरिएंट कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड, ओरियन कैपिटल एंड डेट मार्केट्स, पारिक एंड शाह फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, प्रेम सोमानी शेयर ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्राइम ब्रोकिंग कंपनी, रूसो दे सिक्योरिटीज, सार्क नेट लिमिटेड, स्टार शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड, यूनिकॉर्न सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, वेल्थ मंत्रा लिमिटेड, युवराज सिक्योरिटीज, क्लासिक शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस लिमिटेड, लास्ट है ये आपका ग्रो वैल्यू सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। ये सारे के सारे आपके ब्रोकर हैं जिनका कैंसिल कर दिया। अभी इसी प्रकार से लगभग आपके लिए 22 कमोडिटी वाले भी हैं, कमोडिटीज के डिपोजिटरी 22 हैं सॉरी, और 7 कमोडिटी वाले हैं। वेल्थ मंत्रा कमोडिटी में भी है, संपूर्णा कमोडिटी में है, चैतन्या वी के वी पल्सेस ऑनलाइन ट्रेडिंग है, इन्फोनिक इंडिया लिमिटेड, इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फाइनेंशियल लीडर्स कमोडिटी, वेल इंडिया कमोडिटीज, इनका कैंसिल हो गया कमोडिटी से। और डिपोजिटरी में भी काफ़ी सारे नाम है यहाँ पे जिनका डिपोजिटरी ये लाइसेंस कैंसिल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करी मैंने, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइस।